डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 11th AMU एंट्रेंस के बच्चों के लिए 2014-15 का सवाल लेकर हाजिर हूँ। 2014-15 में देखिए इस टाइप के सवाल पूछे गए थे। सवाल यहाँ पे सवाल नंबर 1 से इंडो इस्लामिक का सवाल शुरू है। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। सारे आंसर्स आखिर में दिए हुए हैं, पहले आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, फिर आंसर को आप देखिएगा। उसी तरह से देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। ये सब सारे सवाल आपके जीके के हैं। शुरू में 10 सवाल जीके के होंगे और 10 सवाल इंडो इस्लामिक कल्चर के होंगे। तो ये अभी आपके सब सारे सवाल जीके के हैं। नंबर 3 देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर मौलाना अहमदुल्ला ऑफ फिरोजा फैजाबाद लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन। ये सब सारे सवाल जीके के हैं। 6 देखिए, बिल्कुल उस वक्त के ये करंट जीके का सवाल, अरविंद केजरीवाल ऑफ द आम आदमी पार्टी हैज सर्वड इन विच दिस सर्विसेज। इस तरह के करंट जी के उस वक्त ये बिल्कुल करंट था। सुल्तान अजलान शाह इज सेटल्ड विथ हु वाज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आप ये देख रहे हैं 9-10 सवाल। अब यहाँ से देखिए, ये सवाल इंडो इस्लामिक कल्चर के ये सवाल शुरू हुए। रियल नेम ऑफ नूर जहाँ वाइफ ऑफ जहांगीर वाज, जहांगीर की वाइफ नूर जहाँ का ओरिजिनल नाम क्या था। सर सैयद अहमद रोड तफसीर ऑफ। तो ये सब सारे सवाल आपके इंडो इस्लामिक कल्चर के, ये प्योर इंडो इस्लामिक कल्चर के ये सवाल है। ये देखिए कुरान पे बैटल ऑफ ओहद मस्जिद नबवी, ये अभी सवाल यहाँ से, ये बिल्कुल 10 सवाल तो ये हो गए थे आपके जी के, ये 10 सवाल इंडो इस्लामिक कल्चर के। आगे देखिए, ये भी इंडो इस्लामिक कल्चर के ही सवाल है। कंपाइलेशन ऑफ कुरान वाज डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कंपेनियन। ये देखिए इंडो इस्लामिक कल्चर के यहाँ 20 तक ये हो गए इंडो इस्लामिक कल्चर। अब यहाँ से आपके केमिस्ट्री के सवाल शुरू हैं। देखिए सर, केमिस्ट्री के सवाल आप देखते चलें। केमिस्ट्री के सवाल आती है सर। सारे सवाल केमिस्ट्री के हैं। पैंतीस तक, यहाँ तक आपके यानी के 20 हो गए इंडो इस्लामिक जी के, और ये 15 सवाल, सॉरी 20 और ये 5 सवाल अभी तो हुए हैं। ये 5 सवाल फिजिक्स नहीं, अभी ये भी फिजिक्स के ही सवाल चल रहे हैं, मैथ्स नहीं है बल्कि ये भी फिजिक्स के सवाल चल रहे हैं। सारे सवाल अभी फिजिक्स के हैं। ये सब सारे फिजिक्स के सवाल हैं। ये देखिए कुछ डायग्राम वाले सवाल। फिजिक्स के सवाल आते हैं सब सारे फिजिक्स के सवाल। अब ये देखिए कि ये जो सवाल नंबर 30 आप देख रहे हैं, कितना बड़ा सवाल है, इसको पढ़ने में भी जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूम होगा इसे पढ़ने में भी अच्छा खासा। तो इसे इस तरह के सवाल आपको आप सोच समझ के कीजिएगा कि इस तरह के सवाल आप अगर टाइम मिला तो आप बाद में करें। अगर ये सवाल आपका जाहिर सी बात है कि बहुत इसमें महारत हासिल है, सुना हुआ है या किया हुआ है, तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए ग्राफ का सवाल, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सब सारी चीज़ें।
ये देखिए सब सारे सवाल चल रहे हैं। अब केमिस्ट्री का सवाल आती है, यहाँ से शुरू हो गए हैं, यानी कि 36 से 36 यहाँ तक थे फिजिक्स, 36 से अब ये केमिस्ट्री का सवाल आप देखिए, ये 39, 40, 41, 42 43, 44 ये सब आपके केमिस्ट्री के सवाल आते हैं। आप इसे पहले रेगुलर आंसर के करने की कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद आप आखिर में जो आंसर है उस आंसर्स हैं उससे मिलाकर देखिएगा कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। देखते जाइए सब सारे सवाल आप। यहाँ तक आपके 52 तक ये सवाल हो गए। बल्कि ये 51 से ये आपके जो सवाल शुरू हो गए, ये मैथ्स के सवाल अब शुरू हो गए। जी यस, 51 से मैथ्स के सवाल शुरू हो गए, यानी 50 तक, यानी कि 30 और 50 और फिर अब बायोलॉजी के सवाल इसके बाद होंगे। देखिए 51, 52, 53 ये सब मैथ्स के सवाल हैं, सारे सवाल मैथ से रिलेटेड। ये देखिए सारे सवाल मैथ्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल, मीन मीडियन मोड के सवाल, सिक्सटी वन से फिर ये मैथ का सवाल, 62, 63, 64 सारे सवाल आपके मैथ के सवाल आप चल रहे हैं। अब आगे देखिए सब सारे सवाल मैथ्स के, इधर भी ये सब सारे सवाल मैथ्स के चल रहे हैं। आगे देखते हैं, देखिए सारे मैथ्स के सवाल आते भी चल रहे हैं, आगे को देखते चलिए। मैथ के सवाल 78, 79, 80 तक आपके ये हो गए मैथ्स के सवाल। और 20 सवाल हैं आपके बायोलॉजी के, 81 सारे ये बायोलॉजी के सवाल। सारे ये सवाल जो हैं आपके सब बायोलॉजी के सवाल, 98। अब ये देखिए 99 और ये हो गए 100 सवाल।
और ये रहा उन सवालों के आंसर्स। ये आंसर्स, सारे सवाल के आंसर्स नीचे दिए हुए हैं 1 to 100 तक। तो पहले तो आप इसे खुद से करने की कोशिश करें और देखें कि कितना सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी कि कैसे हम 2 घंटे में इन सारे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस वजह से आप पहले इन्हें सॉल्व करिए, फिर आंसर मिलाइए और देखिए कि आप कितना सवाल आप सही कर पाते हैं। उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमें कितनी मेहनत करने की और ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे सवाल 2014-15 में ये सवाल आए थे और इस तरह से मैंने आपके सामने इन सवालों को आंसर्स के साथ पेश कर दिया। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे लगेंगे, तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें और घर बैठे फ्री में हर क्लास की रेगुलर और कोचिंग क्लासेस का, हर क्लास की रेगुलर और कॉम्पिटिटिव कोचिंग का आनंद उठाएं। थैंक यू वेरी मच।